नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 11 अगस्त 2024 को होगी परीक्षा। नीट पीजी की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद नई तारीख का ऐलान किया गया है। ईडी ने डीजेपी दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में की छापेमारी। नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच में दिल्ली में 10 एसटीपी के अपग्रेडेशन में 1943 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया। इस छापेमारी के दौरान 41 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर क्रियर स्टमर को दी बधाई। ब्रिटेन में 14 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो चुका है। लिबरल पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अब तक के नतीजों में लेबर पार्टी 410 सीटें जीत चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक सिर्फ 119 सीटें ही जीत पाई है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी हार स्वीकार करते हुए लेबर पार्टी को बधाई दी है। खींच निकाल रहे हैं राहुल गांधी, प्रशासन की कोई गलती नहीं, बोली यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ का मामला में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सीटें कम आई हैं, वे सरकार नहीं बना पाई, खटाखट रुपया नहीं दे पाई है, इसी हताशा में राहुल गांधी खींच रहे हैं। अखिलेश यादव तो कुछ भी बोलते रहते हैं, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, जितने भी लोगों की परमिशन मांगी गई थी उतनी दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सरकार उच्च स्तरीय जांच करा रही है, जिसकी भी भूमिका होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में लगी भीषण आग, पूरे मॉल में भरा धुआं, बिल्डिंग कराई गई खाली। आग की वजह से पूरे मॉल में धुआं हो गया, जिसके बाद लोग बाहर की तरफ भागने लगे। इस हादसे की खबर तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर विभाग की 10 गाड़ियां और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। हाथरस भगदड़ में हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने याचिका में 5 सदस्य एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 17 जुलाई को होगी सुनवाई, सीबीआई और एससी का नोटिस। हाथरस हादसे में एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी, डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हुए। राहुल गांधी ने पीड़ितों से की मुलाकात, बोले चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएसएस सांसद के केशव राव ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस छोड़ने के एक दिन बाद केशव राव ने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा और फिर से कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कल कर सकते हैं इस्तीफे की घोषणा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य के 7 सूत्री विकास एजेंडे के लिए मांगा समर्थन। भारतीय सरफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोना अब 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, वही चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,678 रुपए, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 90,714 रुपए है। ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, पिछली वोटिंग में किसी को बहुमत नहीं मिला था, सईद जलीली और मसूद पजशाकियान में टक्कर। ऑस्ट्रेलिया में 12 साल की बच्ची को मगरमच्छ ने खाया, तैराकी सीखने गई थी, स्विमिंग पूल के पास अवशेष मिले। यह थे अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा में फिरौती के लिए फायरिंग से भड़के व्यापारी, हिसार में पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, कोचिंग सेंटर बंद, 2 घंटे मरीजों का इलाज नहीं करेंगे डॉक्टर। फतेहाबाद में कांडा बंधुओं ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, खट्टर के करीबी गोपाल की सिरसा में दावेदारी, दोनों विधानसभाओं में कई दावेदार आमने सामने। कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा सरकार का झटका, आदमपुर नगर पालिका पर सर्वे का पेंच फंसाया, बीजेपी नेता बधाई तक दे चुके। हरियाणा सरकार ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को झटका दे दिया है, इससे कुलदीप कैंप में मायूसी छाई हुई है। जहां 2 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थक आदमपुर नगर पालिका का दर्जा हटाने की फाइल मंजूर होने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, वही अब कुछ अटकलें बनी हुई है। रोहतक में किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे के लिए डीसी कार्यालय के बाहर दिया धरना, बोले समाधान नहीं हुआ तो चुनाव में देंगे जवाब।
हरियाणा में महिला कर्मचारी यौन शोषण मामले में कमेटी गठित, दो आईएएस को जिम्मेदारी, अमनीत पी कुमार बनी अध्यक्ष, चार मेंबर शामिल। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारी की यौन उत्पीड़न शिकायतों की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय ने पत्र जारी कर जाँच के आदेश दिए हैं। फरीदाबाद में व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या, घर के बाहर युवक से हुआ था विवाद, साथ ही उन्हें किया हमला, बेटा भी घायल। हरियाणा के फरीदाबाद के बादशाहपुर टिकाबली इलाके में एक 52 वर्षीय शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा गया। करीब एक दर्जन युवकों ने बाप बेटे को घेर कर हमला किया। फरीदाबाद में स्कूली बच्चों की वैन में लगी आग, धुआं उठते देख ड्राइवर ने उतारे पांचों स्टूडेंट्स, मिट्टी डाल किया कंट्रोल। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री का कांग्रेस पर हमला, बनवारी लाल बोले अनुसूचित जाति समाज को धोखा दिया, झूठ बोलकर लेती है वोट। अंबाला में शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग तेज, कांग्रेस व्यापारियों के बाद आपका अनशन, बोले सरकार किसानों से बात कर निकाले हल। हरियाणा के 3 जिलों में बारिश, कई जगह निकली धूप, पंजाब हिमाचल में येलो अलर्ट, चंडीगढ़ में मॉनसून धीमा। हरियाणा के 3 जिलों गुरुग्राम, नूह और फरीदाबाद में बारिश से लोगों को राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर शामिल है। वहीं महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद समेत अन्य जगह मौसम साफ है। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।